So we are here again, and in our last lecture, if you remember it, we talked about some one-liners. हमने किसकी बात की थी? One-liners. Another lecture we talked about the why questions. किसकी बात की थी हमने? So which one is easier, by the way, one-liner or why? One-liner. One-liner is easier. Yes. One-liner is like somebody asks you, hey, where are you going? I am going to market. One-liner. Yes. But then he asks you, why are you going to market? तो आप आमतौर पर जवाब क्या देंगे तुमसे मतलब लर्निंग इंग्लिश वॉन्ट डू दैट ना आप देंगे वाओ अपॉर्चुनिटी है ना सो इट से आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम बुक्स ओके आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई एम हंग्री आई वांट टू ईट समथिंग यू से दैट ना These are called why questions. इनको क्या बोलते हैं? Why questions. And now comes the third category, which is called the detailed answer question, where the question is very small, but the answer is long. Okay. And don't you worry. अब उसमें बिल्कुल नहीं घबराइए मत कि अरे किसी ने मुझसे अगर इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा? बहुत आसान है. उसको बांट दीजिए. For example, किसी ने अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया, Okay, tell me about your daily routine. क्योंकि डेली रूटीन पूरे दिन का बताना हाँ हाँ डेली रूटीन तो पूरे दिन का होता है ये गेटिंग माय माइंड सो यू विल देन यू विल टॉक अबाउट योर डेली रूटीन ओके तो आप किसकी बात करेंगे डेली रूटीन इट्स इजी व्हाट इज द इजी वे आउट सो सपोज समबडी आस्क यू अबाउट योर डेली रूटीन सो यू डिवाइड योर डे ना इन थ्री पार्ट्स पहले आप इसकी तैयारी कर लीजिए क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं ओके तो अब इसकी तैयारी कर लीजिए सो आई टॉक अबाउट माय मॉर्निंग एक्टिविटीज एंड देन आफ्टरनून और नून एक्टिविटीज एंड देन आई टॉक अबाउट माय इवनिंग एंड नाइट फिनिश तो आप मॉर्निंग की बात करेंगे आफ्टरनून की बात करेंगे और एक बात आपको और बताते हैं अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है यू वांट टू प्रैक्टिस Present indefinite tense. This is the best activity that you should do. And we make a lot of mistakes in present indefinite. Okay, so agar aap iski practice karna chahte hain, to sabse acha tarika ye hai, aap isko practice kijiye. Okay, isme subject hum change bhi kar sakte hain. To pehle aap mein se koi mujhe batayega, and then I'll try to correct you, jahan jahan bhi aapka correction hoga. Okay, so and you will start with I. ओके और इसको आप ही से भी बोल सकते हैं पहले आप आई से बोलेंगे तो बस मॉर्निंग का बोलेंगे आई से एनीबॉडी यू कैन ट्राई मॉर्निंग या यू वांट टू ट्राई ओके पूजा वांट्स टू ट्राई आई एम एन अर्ली राइजर सो यू कैन स्टार्ट विद दैट कि आपका इनका बिगनिंग का सेंटेंस ही इन्होंने बहुत बढ़िया कहा इन्होंने क्या बोला आई एम एन अर्ली राइजर आई एम एन अर्ली राइजर बस इसी से ही स्टार्ट हो सकते हैं आप तो आपने ये शुरू नहीं किया कि आई गेट अप एट 5 o'clock ओके यू शी डिडंट से सो आई गेट अप एट 5 o'clock इन्होंने पहले उसको और खूबसूरत बना दिया क्या कहकर आई एम एन अर्ली राइजर यानी अर्ली राइजर कौन हुआ जल्दी उठे वो कौन हुआ और जो देर से उठे लेट राइजर वो क्या कहलाएगा तो ये आसान इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं है ना इट्स नथिंग डिफिकल्ट सो इट्स आई एम एन अर्ली राइजर And then explain why do you call yourself an early riser? Because I get up. Get up का मतलब क्या होता है? Wake up, उठना. I get up and then tell at 5 o'clock. तो क्या बोलेंगे? So what is the sentence? I get up at 5 o'clock. So I'm an early riser. I get up at 5 o'clock. और इसको बोलने का एक तरीका है सो डोंट से आई गेट अप एट 5 o'clock से आई गेट अप एट क्या बोलेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस 5 o'clock तो जब हम समय बताते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 5 o'clock लेकिन ये तभी बताते हैं जब पूरा आर होता है इफ द आर इज नॉट कंप्लीट वी डोंट से 5 o'clock सो अगर कहना सो आई कैन ऑल्सो से आई गेट अप एट 5 एम और क्या बोल सकते हैं गेट अप एट लेकिन क्या बोल सकते हैं आई गेट अप एट 5:30 AM सो आई डोंट से 5:30 o'clock सो अगर मुझे कहना 5:30 बजे तो मैं क्या बोलूंगा आई गेट अप एट 5:30
विच मीन्स 5:30 लेकिन 5:30 AM नहीं क्या बोले बस आई गेट अप एट 5 बेटर इज दैट यू स्पीक आई गेट अप एट हाफ पास्ट 5 और आई गेट अप एट 5:00 सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेली रूटीन तो उसमें समय का ध्यान रखिएगा समय को बताने के अलग अलग तरीके होते हैं आम तौर पर जब हम बताते हैं इतने बजे तो हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं एट तो आप देखेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन का बहुत काम आएगा सो आई स्टार्ट विद आई एम अर्ली राइजर आई गेट अप एट 5:00 और क्या बोल सकते हैं उसके बाद क्या करते हैं What do you do? I get fresh. And go for a walk. And the important thing is when you say go for a walk, उसका मतलब चलना नहीं होता. उसका मतलब क्या होता है? सैर करना. तो आप you can always say that I'm an early riser. I get up at 5:00 and उसके बाद बताइए I get fresh. Okay. And go. अब थोड़े से लंबे sentences भी तो बना सकते हैं. Go for a शहर को जाता हूं ओके समय बताना हो समय बता दीजिए फिर क्या बताएंगे शहर से वापस भी तो आओगे तो क्या बोलोगे वापस आने को क्या बोलेंगे रिटर्न और इसमें देखिए सब में कौन सा टेंस चल रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट व्हाट इज द प्रोनंसिएशन प्रेजेंट क्या बोला हमने प्रेजेंट Okay, so and it's present indefinite. Subject of present indefinite. So I get fresh and go for a walk. और आप क्या बोलेंगे? I. कई लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि they say I return back, which is wrong. So या तो बोलिए I come back और या क्या बोलेंगे? I return. Okay. और फिर लगाएंगे कब? कितने बजे? तो आप कहेंगे 5:00. So I return. तो by आएगा या till आएगा? Now this is an important thing to learn for time. कि मैं by कब लगाऊंगा till कब लगाऊंगा दोनों का मतलब होता है तक क्या मतलब होता है लेकिन देखिए याद रखें कि जब हम कोई काम अगर चल रहा है कोई काम अगर चल रहा है तो उसके लिए उसकी कंटिन्यूटी के लिए हम क्या लगाते हैं तक के लिए लेकिन अगर कोई नया काम होता है तो क्या लगाएंगे बाय क्या लगाएंगे दोनों का मतलब होगा तक अब यहां पर रिटर्न नया काम हो रहा है कि नहीं तो रिटर्न के साथ हमेशा क्या लगेगा टिल नहीं और स्टे के साथ क्या लगेगा टिल सो यू कम हियर एट 9:00 एंड यू स्टे हियर टिल 11:00 डिड यू गेट द पॉइंट आई विल से द यू शुड रिटर्न बाय आएगा या टिल आएगा बाय नया एक्शन हो रहा है ना तो नए एक्शन के लिए क्या आएगा बाय तक है दोनों मतलब पुराने एक्शन के लिए सो आई रिटर्न बाय 6:00 मैं कब तक वापस आ जाता हूँ 6:00 अब आप घर वापस आ गए तो ये आपने पहला पोर्शन मॉर्निंग का फर्स्ट पोर्शन क्लियर किया तो जरा आप रिपीट करें इसको आई एम एन अर्ली राइजर ओके आई गेट अप एट 5:00 You can say more sentence. You आप और idiom का I get up with the lark. मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो क्या बोलेंगे? I get up with the lark. L-A-R-K lark. Lark पक्षी सबसे पहले उठने वाले पक्षियों में से एक है. तो उसे एक idiom क्या बना? To get up with the lark. मैं सुबह सुबह उठता हूँ. और I get up with the sun. सुबह सुबह उठता हूँ. Okay. And then when I get up, so what do? I get fresh. And go for a walk, sair ko jata ho, and then I return by 6:00. Aur jab aap wapis aayenge, to aap kya karte hain fir? I take a bath. Yeah, you can take a bath. Very good. I take a bath. Aur kya kar sakte hain? You can read newspaper. Yes, sir. Aur kya kar sakte hain? You can fix morning tea for yourself. Yes, sir. Yeah. आप कुछ भी लिखिए नहीं भी करते तो भी लिखिए बोल रहे हैं ना सो आई फिक्स मॉर्निंग टी ओके एंड टेक टी विद न्यूज़पेपर और यू कैन से आई रीड न्यूज़पेपर व्हाइल टेकिंग माय टी मॉर्निंग टी ओके सो यू कैन से इट एनीवे आप कैसे भी कह सकते हैं डन ये हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे आई टेक बाथ क्या बोलेंगे आई टेक बाथ मैं नहाता हूं ओके आई टेक बाथ एंड देन
सो यू बी गेट रेडी. अब उसके बाद क्या करेंगे, आप बाहर जाए निकलेंगे ना, फिर दोबारा बाहर जाएंगे तो, लेकिन दोबारा बाहर कैसे जाएंगे, आफ्टर गेटिंग रेडी तैयार होंगे. सो आई गेट रेडी and I go for my office, leave for my office. क्या बोलेंगे? I leave for my office. और अगर आप student हैं तो क्या करेंगे? I leave for my coaching. I leave for my coaching. आप coaching के लिए जा सकते हैं. Okay. And आप उसमें भी time बता सकते हैं. I leave for my coaching. कितने बजे? 9 o'clock. At the old 8 o'clock. Eight. और 9 o'clock, ठीक है कि नहीं? मैं 9 बजे कोचिंग के लिए निकलता हूँ और फिर बताइए कोचिंग में कब तक रहता हूँ? तो आप जो कहते हैं आई स्टे देयर, क्या बोलेंगे? सो आई लीव फॉर माय कोचिंग एट 9. आप सिंपल 9 भी बोल सकते हैं एंड स्टे देयर. आप बताओ भाई आएगा टिल आएगा? वेरी गुड. एंड स्टे देयर टिल 11 o'clock. And then, अब तो आसान हो गया काम. I come back, फिर वापस आ गए. सारा present indefinite में चल रहा है. I come back by 11:30. कितने बजे वापस आता हूँ मैं? 11:30. अब आपका सुबह का आधा काम तो खत्म हो गया. अब आ रही है noon, 12 बजे. Noon and then afternoon. So you will then we will talk about your daily routine. Okay, तो आप किसकी बात करेंगे डेली रूटीन? That's easy. What is the easy way out? So suppose somebody asks you about your daily routine. So you divide your day ना in 3 parts. पहले आप इसकी तैयारी कर लीजिए क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं. Okay, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए. So I'll talk about my morning activity. Yes. So it says I'm going to market to buy some books. Okay? I'm going to market because I'm hungry. I want to eat something. You say that, na? Yes. These are called why questions. Inko kya bolte hain? Why questions. And now comes the third category, which is called the detailed answer question, where the question is very small, but the answer is. Hello, everyone. Hello, sir. So we are here again, and in our last lecture, if you remember it, we talked about some one-liners. हमने किसकी बात की थी? One-liners. And another lecture we talked about the why questions. किसकी बात की थी हमने? Why. So which one is easier, by the way, one-liner or why? One-liner. One-liner is easier. Yes. One-liner is like somebody ask you, hey, where are you going? I'm going to market. One-liner. Yes. But then he ask you, why are you going to market? तो आप आमतौर पर जवाब क्या देंगे? तुमसे मतलब? But if you are learning English, you won't do that, na? आप देंगे, wow, opportunity is wrong. Okay, and don't you worry. अब उसमें बिल्कुल नहीं घबराइए मत कि अरे किसी ने मुझसे अगर इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा? बहुत आसान है, उसको बांट दीजिए. For example, किसी ने अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया, okay, tell me about your daily routine. क्योंकि डेली रूटीन पूरे दिन का बताना. हाँ, डेली रूटीन तो पूरे दिन का होता है. ये कह रही हूँ.